फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बना रहे हैं चटपटा। चटपटा किसका किसका बना रहे हैं वो अभी हम देख लेते हैं। आपको सामग्री से पता चला होगा कि मैं बना रही हूँ अभी चटपटा। तो इसके लिए मैंने ये मसाला भाकरी ली है। ये देखिए, ये जो मसाला भाकरी होती है ना, तो ये इतनी बढ़िया से टेस्टी होती है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और इसके चाय के साथ, अचार, फिर ये टोमेटो सॉस, आपको जो भी पसंद है ना, तो इसी से आप खा सकते हैं। इतनी बढ़िया से होती है। तो ये इसकी भी मैंने वीडियो शेयर की है। अगर आपको किसी को चाहिए होगा तो आप लिंक बता दीजिए कि आपको किसी को चाहिए, तो मैं लिंक भेज दूँगी। तो इसके लिए मैंने जो जो सामग्री ली है ना, वो पहले हम वन बाय वन करके देख लेते हैं, तो वो आसानी हो जाएगी। क्योंकि इसमें सामग्री जितनी भी आप डालोगे ना, उतना ही बढ़िया सा चाट बनेगा। तो चलो अभी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है। तो जो लास्ट में है, ये लिया है दही। ये दही जो है वो घर का है, इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है। साथ में लिया है हरी चटनी, ये मीठी चटनी, सेव, मुरमुरे, प्याज, बॉईल किया हुआ आलू, टमाटर, ये मिक्स फरसान, ये मूंगफली ली है, ये तो खारी सिंह इसे कहते हैं। ये साथ में लिया है चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और जिसका हम बना रहे हैं ये स्पेशल है, ये भाकरी, इसे मसाला भाकरी कहते हैं, तो इसी से हम बना रहे हैं। तो शायद आपने कभी देखा होगा, पता नहीं, पर इसका ये चाट भी बहुत बढ़िया तरीके से बनता है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो जो चीज़ है इसे हम पहले साइड पर रख देते हैं। अभी इसके लिए हमने ली है दो भाकरी। आप इसे पूरा इस तरह से एक लेके वापस उसमें आप इसे चाट बना सकते हो, पर अगर अच्छी तरह से इसे खाना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसके हम पीस बना देते हैं। जैसे कि एक मैंने लिया है तो इसके हम पीस बना देते हैं, तो खाने में ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से मैं इस तरह से ये दूसरा जो है इसका भी मैं बना लेती हूँ। चाहे तो आप एक पूरा का भी बना सकते हो, पर ये इस तरह से बनाओगे तो छोटे बच्चे हो या बड़े आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल खाने में मज़ा आ जाएगा इसका। और चाट ऐसी चीज़ है जो कभी कोई मना नहीं कर पाता है। अगर शाम को आपको बनाने में थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, तो इस तरह से घर में जो हो इसी से भी आप चाट बना के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। अभी देखिए, इस तरह से हमने बना लिया है। इसे हम पहले निकाल देते हैं। अभी इसमें हम पहले सपोर्ट के लिए डालते हैं थोड़े मुरमुरे। अभी इसमें हम डालेंगे इस तरह से जो हमने पीस बनाए ना, वो डाल देते हैं। अभी दो काम बना रहे हैं। आप चाहे तो जैसे भी तीन, दो, जैसे भी आपको पसंद है आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। अभी इसमें थोड़ा सा मैं दही डाल देती हूँ। हरी चटनी, और मीठी चटनी। मीठी चटनी जब मैं इस तरह से चाट होती है तो मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ। अब इसमें हम वन बाय वन करके चीज़ें डालेंगे। अब इसमें डालते हैं प्याज। प्याज को छोटा छोटा काटिए, फिर लंबा, आपको जैसे पसंद है आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अभी हमने प्याज डाल दिया है, तो अभी डालते हैं टमाटर। आलू के पीस डालेंगे। थोड़ा सा नमकीन डालेंगे। अभी इसमें जाएगा वापस हरी चटनी, सेव डालेंगे,
दही डाल देते हैं। मीठी चटनी डालेंगे। ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे नमकीन, खारी सिंह, इसका भी टेस्ट एकदम बढ़िया सा आएगा। थोड़ी सी सेव साइड पे डाल देते हैं। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, लीजिए हमारी चाट रेडी हो गई है। मैं आपको पास से बताती हूँ, ये देखिए। एकदम मस्त है। ये देखिए, हो रहा है ना खाने का मन, तो इस तरह से आप बनाइए। देखिए इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, और किस तरह से आप बना रहे हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और जब भी आपका मन करे तभी भी आप जो भी चीज़ घर में है इसी से आप बना सकते हो, एकदम बढ़िया सी टेस्टी यम्मी बना सकते हो। तो इस तरह से बनाए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।